एक चीज जो कि कल के मैच के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स तो हमारे सामने देखते देखते जो है जो जिस तरह परफॉर्मेंस थी, और यहाँ मिसबा बोले जा रहे थे और वहाँ क्वेटा ग्लैडिएटर्स की विकेटें गिरती जा रही थी, बट क्या ऐसी मेजर गलती की? बिकॉज देर वॉज नथिंग इन द पिच, में अच्छी तरह पता चल गया कि नहीं जी पिच के कोई मसले नहीं थे, कोई वो नहीं था। एहसानुल्ला की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, बट एहसानुल्ला की परफॉर्मेंस से ज़्यादा क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से क्या क्या गलतियाँ आप नोट डाउन कर सकते हैं? जी सवेरा, मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने कल देखा कि जो भी जैसे जेसन रॉय खेल रहे थे उन्होंने ही उनका ही हाईएस्ट कह लें उनकी टीम की तरफ से स्कोर है, तो मुझे ऐसा लगा कि जो भी बैटर आ रहा था वो जस्ट मारने पे, या मुझे लग रहा था सर्कल यूज़ करने जा रहे थे, या वो बस बिग हिट पे ही जा रहे थे जितना मैंने देखा। अगर कोई, मुझे लगता है कि अगर कोई भी बैटर सेट होके पहले पार्टनरशिप पे जाते कि हम थोड़ा सा पार्टनरशिप बनाते हैं तो शायद थोड़ा सेटल हो जाते, और एहसानुल्ला की जो पेस थी और जो उनकी बॉलिंग थी उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते थे। मुझे लगा कि उनकी पेस को ही लाइक यूज़ करने में ही कि मैं जो भी बैटर आ रहे थे कि उठा के शायद मारने की शायद उनके माइंड में होगा, मुझे तो देख के ऐसा लग रहा था। लेकिन यही है कि नेक्स्ट मैच में अगर थोड़ा सा पार्टनरशिप पे जा सकते हैं तो मुझे लगता है बेहतरी आ सकती है। मुल्तान सुल्तान के कप्तान जो है मोहम्मद रिजवान, नाम ब्लैंक आउट बिल्कुल उनका जो है, वही मुख्तसर से गुफ्तगू की हमारे आइंदे अब्दुल कादिर ख्वाजा ने, तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने अपनी पहली फतह के बाद कादिर को क्या कहा। क्रिया टाइम देने का पहला मैच क्लोज जाके हारे, दूसरे मैच में तो कमाल ही हो गया मुल्तान सुल्तान का, जहां पर देखा जा रहा था क्वेटा की बहुत बड़ी शीट थी, बैटिंग लाइनअप अगर आठवें नंबर तक देखा जाए तो उनकी थी, लेकिन एहसानुल्ला जो आप मुल्तान सुल्तान ने दरियाफ्त की है और बड़ा बॉलर है, 150 प्लस बॉलिंग करता है, तो कैसा देख रहे हैं कल की जो जीत है पाकिस्तान मुल्तान सुल्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑब्वियसली जीत जीत होती है किसी की टीम के खिलाफ भी हो जीत हो, मगर सबको पता है कि पीएसएल जिस तरह ब्रांड बना हुआ है तो इस हर एक जीत काफ़ी खुशी देती है, और जिस तरह फिर आप प्लान करते हैं, प्लान एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको ऐसे एक जीत सामने आती है, मगर कल के मैच की क्रेडिट आप ज़रूर एहसानुल्ला को देंगे, और जिस तरह इसको लास्ट ईयर भी एक मैच खेला था क्रैम पड़े थे, मगर इस साल उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, मगर क्रेडिट अगर बात की जाए तो मैं तो उसको ज़रूर अपने ओनर और मैनेजर जो हमारे हैदर है इसको ज़रूर दूंगा इसको। रिजवान भाई, आप और शहीन एक ही टीम में पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं, ये कितना नेगेटिव पॉइंट है कि आपको उसकी वीकनेस का पता होता है, आज शहीन की वीकनेस का आपको पता होता है, उसने स्लो बॉल किया आप थोड़ा सा आगे निकले, किस तरह ये मुकाबले कैसे होते हैं आपस में? वीकनेस और स्ट्रेंथ का तो पता होता है, मगर जब पिच की डिमांड होती है शायद उस टाइम उसके फेवर में जा रही थी तो आपको प्लान चेंज करना पड़ता है। सरफराज भाई की बैटिंग पे टेस्ट मैच में खासतौर पर कैसे देखते हैं उसको? सैफी भाई ने हमेशा परफॉर्म किया हुआ है, मतलब जैसे अगर आप पिछले 3 साल की बात करें तो सैफी भाई ने हमेशा परफॉर्म किया, वो सबसे बड़ी बात है कि वो हार्ड वर्कर है, मेहनत करता है, मेहनत पे बिलीव रखता है, और सबके सामने उसने प्रूव किया है टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, किसी से लेके किसी से दे के देता है, मगर हमें, मुझे खुशी इस टाइम भी इस बात की है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद था इस पर इन्वॉल्व था और अल्हम्दुलिल्लाह उसने परफॉर्म किया, इसकी ज़्यादा खुशी हुई है और उम्मीद है से इंशाल्लाह आगे भी इस तरह परफॉर्म करता रहेगा पाकिस्तान के लिए। जो हमने देखा है कि वर्ल्ड कप के बाद बाबर पर खासी तनकीद का सामना करना पड़ा है, बाबर जो है उनको कप्तानी जो है उसके फॉर्मेट से, तीनों फॉर्मेट से अलग-अलग कप्तान होना चाहिए, तो आप समझते हैं कि बाबर बेहतरीन कप्तान है? बैट्समैन तो पूरी दुनिया के सामने है, आप लोगों की कम्बिनेशन भी बेहतरीन है। जो लोग तनकीद करते हैं ऑब्वियसली वो भी पाकिस्तान के लिए सोच रहे होंगे, मगर कप्तान की अगर बाबर आजम की बात की जाए, देखिए पाकिस्तान के लिए जो भी कप्तान होगा हमारे लिए कप्तान होगा, हमें हमारा दीन यही सिखाता है कि जो अमीर होगा उस उसी को फॉलो करने हो, जैसे भी हो जैसे भी बात हो, मगर अगर रिजल्ट देखा जाए पाकिस्तान की किसी टीम के प्लेयर से पूछा जाए, सब रिजल्ट आप लोगों के सामने भी है, अगर रिजल्ट को देखा जाए आप जिस तरह कप्तानी चाहते हैं मुझे उसकी समझ नहीं आ रही, जो तनकीद करते हैं या बात करते हैं, मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि ठीक है बाबर भाई इंसान है, गलती होती थी, उससे भी गलती होगी, हमसे भी गलती होती है, जो तनकीद करते उससे भी गलती होगी, मगर अगर हम सब मिल के पाकिस्तान के लिए सोचे तो वो चीज़ बता सकते हैं आप लोग। हाँ, वो बड़ा प्लेयर है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा दिल है उसका, मुझे इस चीज़ का तो इलम है, और जैसे कप्तानी की बात की जा रही है तो मुझे लगता है अगर रिजल्ट सामने, चीज़ें सामने हैं, अगर टीम एक जेल है और लग रहा है ऐसा है कि कुछ, मुझे एक सवाल से काफ़ी ज़रा थोड़ी सी इस पर है अक्सर कि यार यारी है दोस्ती, तो जो टीम में यारी दोस्तियाँ दोस्तियाँ ना हो, प्यार मोहब्बत ना हो, तो वो तो फिर टीम नहीं हुआ ना। अगर आप चाह रहे हैं कि टीम में झगड़े लड़ाइयाँ हों तो फिर आप फिर क्या कहेंगे कि यार यहाँ पे टीम में ग्रुपबंदियाँ हो गई है, वाला माहौल होना चाहिए। तो मुझे इस चीज़ से थोड़ा सा, इस बात का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि अगर हम यार दोस्ती हमारी मोहब्बत होगी तो टीम बनेगी।